हेलो ऑल वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट कोड इज के ई सी सिक्स जीरो टू एंड हियर वी आर इन लेक्चर नंबर सो इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने बात की थी व्हाट इज द सिलेबस ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर इज कॉल्ड कंट्रोल सिस्टम एंड व्हाट आर द रिस्पेक्टिव आउटकम्स जो आप लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद यू आर एबल टू डू या टू अंडरस्टैंड वट इज कवर अप इन सिलेबस ओके नाउ so जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था इन दिस लेक् लेक्चर आई विल स्टार्ट यूनिट नंबर वन दट इज अबाउट कंट्रोल सिस्टम इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम जहां पे हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं स्पेशली वट इज कंट्रोल सिस्टम ज इट एंड टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो दो टाइप का कंट्रोल सिस्टम है हमारे पास ओपन लूप एंड क्लोज लूप तो हम यहाँ पे जो स्टडी करने वाले हैं ओपन लूप सिस्टम की स्टडी करेंगे वट इज दैट वट आर द मेन कंपोनेट ऑफ दिस सिस्टम वट आर द डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस सिस्टम एंड देन वट आर द एडवांटेज एंड डिसन लूप सिस्टम सो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंट्रोल सिस्टम So, जैसा कि यहाँ पे लिखा है वर्ड कंट्रोल सिस्टम तो इसके अंदर एक वर्ड लगा है दैट इज सिस्टम और इस सिस्टम को आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है तो अगर मैं पहले यहाँ पे बात करूं वट इज सिस्टम सिस्टम क्या है वट इज सिस्टम तो सिस्टम लोगों ने पढ़ रखा है सिस्टम क्या था सिस्टम एक ऐसा बॉक्स है आप कह सकते हो एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस बॉक्स के अंदर कुछ कंपोनेंट्स लगे होते हैं राइट सिस्टम इज नथिंग बट अ ब्लॉक ऑफ फंक्शनल ब्लॉक्स अ सेट ऑफ फंक्शनल ब्लॉक

कंट्रोल्ड आउटपुट जो कि जनरली आपका कंट्रोल्ड फैशन में ही जनरेट होता है ऐसा कोई डिवाइस नहीं होता जिसका आउटपुट अनकंट्रोल्ड हो एक्सेप्ट नहीं तो हम उसे बोलेंगे कि इसका आउटपुट तो स्टेबल ही नहीं है ठीक है द कॉज ऑफ अनस्टेबल सिस्टम तो यहां पे अगर आप कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो दिस इज नथिंग बट

इनपुट दिस वर्ड डिजायर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसी के बेस पे हम कंट्रोल सिस्टम को क्लासीफाई करते हैं वन इज कॉल्ड द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम अगर आपका आउटपुट डिजायर मतलब यूजर डिपेंडेंट जनरेट हो रहा है दैट इज कॉल्ड अ क्लोज लूप बिकॉज वहां पे यूजर से मिलेगा फीडबैक और विथ फीडबैक सिस्टम इज बिकम अ क्लोज लूप सिस्टम ठीक है बट वहीं पे अगर मेरे सिस्टम में कोई फीडबैक नहीं है कोई यूजर डिपेंड डिजायर्ड आउटपुट जनरेट नहीं कर रहा है कंट्रोल आउटपुट तो जनरेट कर रहा है बट यूजर अकॉर्डिंग नहीं है दैट इज कॉल्ड अ ओपन लूप सिस्टम राइट सो यहां इस लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे ओपन लूप सिस्टम के ऊपर एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ओके सो नाउ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम तो वट इज ओपन लूप आज एन इम बिजनेस मैंने पहले ही बोला है सिस्टम इन विच आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन इनपुट बट कंट्रोलिंग एक्शन इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द डिजायर्ड आउटपुट मतलब जो सिस्टम में कंट्रोलर है जो उसका कंट्रोलिंग एक्शन है वो आपको यूजर डिजायर्ड आउटपुट जनरेट नहीं कर रहा इट इज टोटली इंडिपेंडेंट दैट्स वाई आई एम कॉलिंग इट ओपन लुप सिस्टम ठीक है जैसे कि यहाँ पे सिंपल एक ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया है दिस इज द सिंपल एक आप इसे एक बॉक्स मान लीजिए कि एक सिस्टम है और इस सिस्टम में यहां पे आपने इनपुट अप्लाई किया यू विल गेट सम आउटपुट अब इस सिस्टम के अंदर कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं लाइक like, अगर मैं यहां पे लिखा है कंट्रोलर एंड हि इट इज प्रोसेस ठीक है तो प्रोसेस का मतलब क्या है आपको किस डिवाइस को किस को ऑपरेट कराना है किसको कंट्रोल करा रहे हैं आप और कंट्रोलर होगा जो उस पर्टिकुलर पॉइंट मतलब उस पर्टिकुलर डिवाइस को कंट्रोलिंग एक्शन मतलब सिग्नल प्रोवाइड करे कि हाँ जी ऑन होना है या ऑफ होना है ठीक है लाइक अगर मैं सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं यहां पे गीजर का ठीक है गीजर आप लोगों ने सबने गीजर देखा है और एक इमल्शन रॉड देखी है उससे पहले क्या आता है इमल्शन रॉड तो अगर हम इमल्शन रॉड की बात करें तो इमल्शन रॉड के अंदर यहाँ पे जो प्रोसेस है हम किसको कंट्रोल कर रहे हैं हम कंट्रोल कर रहे हैं उसके फिलामेंट ठीक है जो आपकी इमल्शन रॉड में फिलामेंट है वो प्रोसेस है जो कि कंट्रोल्ड हो रहा है और किसके थ्रू कंट्रोल हो रहा है तो उसमें वहां पर लगा होता है थर्मोस्टेट राइट कि उसे वहां पे कंट्रोलिंग करने के लिए एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है जो कि उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी तो आपका इनपुट है ही थर्मोस्टेट उसे बेसिकली फिलामेंट को हीटअप करने के लिए यूज होता है फर्दर सिग्नल देता है ठीक है अब जैसे ही आपने इनपुट सप्लाई को बंद किया थर्मोस्टेट ने आपका काम करना बंद कर दिया तो आपका जो फिलामेंट और थर्मोस्टेट का कॉम्बिनेशन एक तरह से बना वो कहते हैं एमलशन रॉड आपकी ऑफ हो गई और वो कूलअप cool हो गया ठीक है तो दिस इज अ सिंपल मतलब वे में मैं आपको बता रहा हूं तो ओपन लुक को किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं अभी वैसे हमें आगे बहुत सारे एग्जाम्पल डिस करने डिस्कस करने तो आपको ओपन लुक की अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी बट मैंने यहां लिखा इसलिए है बिकॉज कई बार ये क्वेश्चन दो नंबर में पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू मीन बाय ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम तो आपको एक डेफिनेशन के तौर पर यहां से स्टेटमेंट मिल जाएगा Then, अब अगर मैं डिस्कशन करू ना वट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जैसे कि मैंने भी आपको एक एग्जाम्पल लिया इमल्शन रॉट का इसी तरह से उसे भी डिस्कस करते हैं बाकी एग्जाम्पल भी डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला एग्जाम्पल मेरे माइंड में आता है ओपन लूप सिस्टम के लिए डेली लाइफ वाले एग्जाम्पल्स में लाइक योर फैन नाउ फैन इज वॉट फैन एक डिवाइस है जिसमें आपने इनपुट अप्लाई कर दिया इट्स ओके यू विल गेट सम आउटपुट आउटपुट क्या मिल रहा है फैन में एयर एयर इज द आउटपुट बट क्या आपका जो फैन है अगर यूजर को टेम्परेचर ज्यादा मतलब टेम्परेचर कम करना है मीन्स बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और मैं चाहता हूं कि मेरा फैन मुझे बहुत ज्यादा एयर प्रोवाइड करने लगे तो क्या ये ऑटोमेटिकली पॉसिबल है जी नहीं ये ऑटोमेटिकली पॉसिबल नहीं है सो दैट मीन्स फैन एक ऐसा सिस्टम है जो इनपुट के बाद अपनी कंट्रोल्ड एयर प्रोवाइड करा है मीन्स आउटपुट उसका कंट्रोल्ड है बट उस आउटपुट को हम ये नहीं कह सकते कि दैट विल ऑल्सो फुलफिल द डिजायर्डनेस ऑफ द यूजर या उसमें जो मोटर लगी है दैट इज द कंट्रोलर ना मोटर ठीक है तो मोटर जो है वो यूजर अगर कहता है कि भाई यूजर को लग रहा है कि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है इस टाइम और क्या मोटर अपने आप तेजी से घूमने लग जाएगी नहीं घूम सकती उसकी एक पर्टिकुलर स्पीड है उससे ऊपर वो नहीं जा सकती तो दैट्स वायर दिस इज कॉल्ड एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ओके सिमिलरली द नेक्स्ट इनपुट इज योर कूलर अगर मैं फैन के बाद जाऊं तो कूलर अब कूलर में भी सेम फंक्शन है इज अ मोटर और वहां पे एक फैन लगा है मतलब आपके कह सकते हो वो एक फैन शेप लगी है जो कि आपको एयर प्रोवाइड कर रही है तो कंट्रोलर इज व्हाट? कंट्रोलर इज अगेन मोटर बट क्या आपकी वो मोटर अगर मुझे वापस बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है क्या वो अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी नहीं होगी या मतलब तेज चलने लग जाएगी नहीं होगा ऐसा तो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट कूलर एज अ ओपन लूप सिस्टम इसका काम केवल इतना है हाँ ठीक है एक पर्टिकुलर स्पीड पे रोटेट करना है आपको एयर प्रोवाइड करनी है बट इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको गर्मी लग रही है सर्दी लग रही है वो अपने स्पीड पे ही काम करने वाला है डेट मीन यूजर डिजायरनेस आउटपुट की नहीं है राइट right? सिमिलरली नेक्स्ट देखते हैं लाइक इमल्शन रॉड मैंने भी एग्जाम्पल लिया था इमल्शन रॉड इमल्शन रॉड क्या करती है सिंपली आपने उसे पानी में डाला और वो स्विच uh, ऑन किया वो आपके पानी को गर्म करना स्टार्ट कर देगा बट क्या ये पॉसिबल है कि जब आपका वॉटर हीटअप हो जाए ठीक है तो इमल्शन रॉड अपने आप से बंद हो जाए नहीं इमल्शन रॉड अपने आप बंद नहीं होगा वी हैव टू स्विच ऑफ द इमल्शन रॉड मैनुअली ठीक है सो दैट्स वाई आई एम कॉलिंग इट ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम सो आई थिंक अब आपके दिमाग में थोड़ा सा ओपन लूप का एक पिक्चर क्रिएट हुआ होगा कि व्हाट इज ओपन लूप एक ऐसा सिस्टम जहां पे आउटपुट तो कंट्रोल्ड है कंट्रोलिंग आउटपुट की बात नहीं कर रहा बट डिजायरनेस के अकॉर्डिंग नहीं है डिजायर्ड कंट्रोल नहीं है कि अगर वो यूजर के अकॉर्डिंग खुद को अपडेट कर सके चेंज कर सके देन इट इज कॉल्ड अ क्लोज लूप बट अभी हम किसकी बात कर रहे हैं ओपन लूप यहां पे कोई भी डिजायरनेस के अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा ठीक है लेट्स टेक अनदर लेट्सिक्जाम्पल अगर मैं अनदर एग्जाम्पल की बात करूं तो यहां मैंने लिखा है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन नाउ वट इज द नीड ऑफ द वॉशिंग मशीन यहां बहुत एकदम क्वेश्चन मार्क आता है कि ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इट इज अ क्लोज लूप सिस्टम बट मैं इसे ओपन लूप बोलता हूं वाई ओपन लूप बिकॉज हम मशीन का यूज क्यों कर रहे हैं वाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द मशीन वॉशिंग मशीन का यूज क्या है वॉशिंग मशीन का यूज हम बोलेंगे जी कपड़ों को धोना है बट कपड़े धोए क्यों जाते हैं वट इज द नीड ऑफ वॉशिंग द क्लोथ्स तो कपड़े धोए किस लिए जा रहे हैं कपड़े धोए जा रहे हैं कि वॉशिंग किस लिए की जा रही है टू क्लीन द क्लोथ्स टू क्लीन द क्लोथ यानी अल्टीमेटली वट इज द यूज डिजायरनेस द्लीननेस अमाउंट ऑफ क्लीननेस ये रिक्वायरमेंट है इसलिए मैं अपने कपड़ों को वॉश कर रहा हूं क्लोथ वॉश किस लिए किए जा रहे हैं फॉर द क्लीननेस क्या आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप वॉशिंग मशीन को आपने एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए चला दिया उसके बाद आपने जब देखा तो आपके तो कपड़े साफ ही नहीं हुए साफ नहीं हुए डेट मीन्स आपने उस कपड़े को दोबारा वॉश किया ठीक है तो दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन फंक्शन की वो केवल एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए आपके स्पिनिंग करेगा उसके बाद उसको वॉशिंग कर देगा उसके बाद उसको एक तरह से ड्राई कर देगा बट अगर आपका कपड़ा साफ नहीं हुआ तो वॉशिंग मशीन को इससे कोई लेना देना नहीं है वो ऑटोमेटिकली अपने अंदर ऐसा कुछ नहीं करेगा कि आपकी कपड़ों की गंदगी को देखेगी कि कपड़ा कितना ज्यादा गंदा है उसके अकॉर्डिंग वो अपने टाइम को सेट कर सके ठीक okay? है अगर आपकी वॉशिंग मशीन में ऐसा फंक्शन है कि वो आपके कपड़ों की डर्ट के अकॉर्डिंग अपने टाइम को सेट कर सके देन योर वॉशिंग मशीन कम्स इन टू योर क्लोज लूप कैटेगरी बट फिलहाल जो हम इन जनरल बात करते हैं 90, cases, वहां पे वॉशिंग मशीन का वहां सिंपल फंक्शन करते हैं कि हमने एक टाइमर सेट किया उस टाइम के अकॉर्डिंग मशीन अपना रन करेगी और अपना काम पूरा कर देगी बट दैट इज कम्स इन ओपन लूप सिस्टम बिकॉज इस क्लीननेस से कोई मतलब नहीं है राइट देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट अब आई थिंक सबके दिमाग में एकदम पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर ओपन लुप सिस्टम क्यों है ठीक है सो ट्रैफिक लाइट कंट्रोल ओपन लुप सिस्टम क्यों है बिकॉज एट अंक्शन इट विल प्रोवाइड अ पर्टिकुलर टाइम बट मे बी पॉसिबल है कि यहाँ पे ट्रैफिक हो ही ना सपोज मैं कहता हूँ ए साइड रोड पे ट्राफिक ही नहीं है तो क्या ये ग्रीन लाइट 60 सेकेंड के लिए होने का कोई फायदा हुआ नहीं हुआ सो दल डेट

टाइम ऑपरेटिव मैनर में वर्क कर रहा है वो ऐसे वर्क नहीं कर रहा कि आपके ट्रैफिक को सेंस करके तब अपनी लाइट को कम या ज्यादा करे बट हां अगर आप ये कहते हो इन वे ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर बिकम्स क्लोज लूप फीडबैक कैसे आ सकता है फीडबैक आ सकता है यू अप्लाई द सेंसर ओवर हियर कि जो आपकी ट्रैफिक डेंसिटी को सेंस करें एंड देन इट विल गिव यू फीडबैक आपने कंट्रोलिंग लाइट की वैल्यू को कम करना है या ज्यादा करना है आई थिंक अब कुछ जगह हमारे पास ये सेंसर्स लगने लगे हैं तो ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर को अगर आप विध सेंसर बोलते हैं देन इट विल बी कम इन द क्लोज लूप सिस्टम बट अगर आप नॉर्मल ट्रैफिक लाइट की बात कर रहे हैं तो डेट विल ऑलवेज अ ओपन लूप सिस्टम बिकॉज अभी 90% परसेंट केसेज में आपको ओपन लूप ही मिलने वाला है राइट सो अल्टीमेटली जो मेरा यहाँ पे डिस्कशन का मतलब है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो केवल ये है कि कोई भी सिस्टम कोई भी एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं कि वो ओपन लूप कैटेगरी में है या क्लोज लूप कैटेगरी में है ठीक है ओपन लूप कैटेगरी में कौन होगा अगर उसका मैं डिजायर्डनेस ढूंढूं कि वो सिस्टम यूज किस लिए कर रहे हैं व्हाट इज द नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम और क्या वो पर्टिकुलर सिस्टम उस नीड को ऑटोमेटिकली फुलफिल कर रहा है नीड के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर रहा है तब तो वो ओपन लूप कैटेगरी में आएगा तब तो क्लोज लूप में आएगा अदर वो अपने आप को चेंज करता है एल्स इट विल ऑलवेज एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम लाइक एग्जाम्पल लेता हूँ बहुत डेली लाइफ का एग्जाम्पल है लाइक योर टोस्टर सो टोस्टर टोस्टर क्या करता है टोस्टर आपकी आ, जो ब्रेड है डाट विल बी बर्निंग आउट ठीक है उसको सेकने का काम आता है टोस्टर जो हमारा हम यूज करते हैं बट क्या कभी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि टोस्टर ने आपके ब्रेड पीसेस को ज्यादा बर्न कर दिया मतलब जला दिया हम बोलते हैं यार टोस्टर बंद करो नहीं तो जल जाएंगे पीस जल गए ठीक तो डाट इज कॉल्ड ओपन बट अगर टोस्टर ऐसा करे कि हाँ आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपकी ब्रेड पहुंच गई उसके बाद वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाए और आपके पीस को बाहर निकाल दे देन इट कम्स फीडबैक कैटेगरी तो डाट बिकम्स एन क्लोज लूप सिस्टम ठीक है तो मैं आपको दोनों ही बता रहा हूँ वॉट इज क्लोज वॉट इज ओपन बट यहाँ पे जो अल्टीमेटली फोकस है दिस इज ऑन ओपन लूप सिस्टम बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं कि वॉट आर द एक्साम्पल्स ऑफ ओपन लूप सिस्टम और क्वेश्चन इस तरह भी आपको बन सकता है वाई ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इज कॉल्ड ओपन लूप सिस्टम इज कॉल्ड ओपन लूप या इज वॉशिंग मशीन इज ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम तो वो आपसे यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा के भी दो नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वट इज दिस टाइप ऑफ सिस्टम ठीक है एक अनदर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो लेट लास्ट एग्जाम्पल है मेरे पास वॉटर स्प्रिंकलर वाटर स्प्रिंकलर आप लोगों ने देखा होगा एक ग्राउंड में लगा होता है उस पर इस तरह से हम लगा देते हैं जो कि कंटिन्यूसली रोटेट करता रहता है दिस पार्ट इज कंटिन्यूसली रोटेटिंग और ये आपको यहाँ पे वाटर प्रोवाइड करता रहता है इसकी धीरे 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 रेडियस बढ़ती जाती है ठीक है दैट इज कॉल्ड वाटर स्प्रिंकलिंग बट इससे कोई मतलब नहीं है इसका मतलब इसका पर्पस क्या था इसका पर्पस था कि हमारा जो पानी है वो इस पूरे एरिया में पहुंच जाए राइट बट इसे इससे कोई मतलब नहीं है कि अगर कहीं पानी ज्यादा रिक्वायरमेंट है इफ इस दिस एरिया रिक्वायर्ड मोर वाटर एंड दिस एरिया रिक्वायर्ड लेस वाटर तो इससे इसे कोई मतलब नहीं है ये तो कंटिन्यूसली अपनी रेडियस uh, को फॉलो करता रहेगा और आपको पानी प्रोवाइड करता रहेगा ठीक है थीके? तो दैट्स वाइट कम्स इन टू द ओपन लूप सिस्टम कि कोई फीडबैक नहीं आ रहा है इस सिस्टम के अंदर कि हाँ आप अपने आप को काम को बंद कर दो राइट right? तो कोई भी एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई फीडबैक नहीं है सो वी आर कॉलिंग इट एज एन ओपन लूप सिस्टम सो दी दिस इज दीज द एग्जांपल ऑफ ओपन लुप सिस्टम और अब मैं इजिली कह सकता हूं कि आप लोग डिफाइन भी कर सकते हो अपने आप से भी कुछ अनदर एग्जांपल कि वो ओपन लूप कैटेगरी में जाएंगे या नहीं जाएंगे राइट right? उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कवर किया है व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम सो क्योंकि पेपर में कई बार आप लोगों को क्वेश्चन बन जाते हैं कि वॉट आर द एडवांटेज ऑफ ओपन लूप वट आर द एडवांटेज ऑफ क्लोज लूप या व्हाट इज द डिसएडवांटेज तो यहाँ पे सिंपली एडवांटेज मैंशन है कि अगर मैं ओपन लूप की बात करूँ तो लाइक like फैन है फैन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए आप उससे अपना एडवांटेज ईजिली समझ पाएंगे सोच पाएंगे तो लाइक like फैन है सिंपल डिजाइन करना है ठीक है सिंपल कंस्ट्रक्शन है इकोनॉमिकल होता है चीपर है ठीक है आप बोल सकते हो मेंटेनेंस बहुत कम है और रिलायबल है स्टेबल है मतलब वो जल्दी से खराब नहीं होने वाला है तो आप कोई भी ओपन लुप का एग्जाम्पल लेके उसके एडवांटेजेस वहां से समझ सकते हो बट व्हाट आर द डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज कि आपके अनएक्यूट रिजल्ट है अगर आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशन बदलती है तो वहां पर फैन का जो आउटपुट आ रहा है वो हमें अच्छा नहीं लगता मतलब हुमिट ज्यादा हो रहा है नाउ फैन इज नॉट वर्किंग करेक्टली लाइक दैट ठीक है ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकते आप सिस्टम के अंदर आप कुछ भी मिनिमाइज नहीं कर सकते ठीक है देन मेंटेन द नेसेसरी एक्यूरेसी रिलायबल रिकेलिब्रेशन ऑफ द कंट्रोल इज नेसेसरी फ्रॉम टाइम टू टाइम कि अगर आपको उसकी एक्यूरेसी को मेंटेन करना है तो आपको कंट्रोलर को रिकेलिब्रेट करना पड़ेगा मींस इट रिक्वायर्स सम मेंटेनेंस और यू कैन से मॉनिटरिंग ठीक है मॉनिटरिंग जरूरी है तभी आप उसमें एक्यूरेसी दे पाएंगे तो दीज आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ योर ओपन लूप सिस्टम सो आफ्टर दिस लेक्चर आई कैन इजली से कि अब आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाट डू मीन बाय कंट्रोल सिस्टम क्या है कंट्रोल सिस्टम और कितनी टाइप में कंट्रोल सिस्टम को डिवाइड किया जाता है ओपन लूप क्लोज लूप एंड व्हाट इज ओपन लूप सिस्टम व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स अब इसी तरह से इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं क्लोज लूप सिस्टम के ऊपर कि क्लोज लूप सिस्टम में क्या लगता है विद फीडबैक है क्या उसके एडवांटेज है और क्या उसके मेन मेन कंपोनेंट्स है व्हाट आर द इनसाइड ऑफ योर क्लोज लूप सिस्टम व्हाट आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स सो स्टे ट्यून मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर डिस्कस करेंगे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम तब तक के लिए थैंक यू